संतान होते हुए भी अगर संतान का सुख मिल नहीं पा रहा, पैसा आता है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, दरिद्रता पीछा छोड़ती नहीं, अगर वैवाहिक समस्याएं बढ़े जा रही है, तो कौन सा ऐसा जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर माइंड ब्लोइंग मेमब्लास्टिंग छा बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, मेरा जो भूमि शयन है वो चल रहा है, आपका कैसे चल रहा है भाई? जिन लोगों ने भी कल की वीडियो नहीं देखी, आपको अगर जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, मंगल कितना भी कहते हैं ना, दुष्ट प्रभावों से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। एक चीज मैंने बताई थी, 43 डेज तक भूमि शयन करना शुरू कर दो। देखो भाई, मैं भी जमीन पे हूं, कहां पर लोग बोलते हैं ऊंचा पद भी तभी मिलेगा जब धरती से जुड़ के रहोगे। सीधी सी बात है, इससे उत्तम, इससे जबरदस्त उपाय कोई और हो नहीं सकता। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, कितने लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी, मैम मिट्टी के बर्तन कैसे होने चाहिए, भाई ये है, मैंने आपको भी बताया था मिट्टी के बर्तन आपने यूज करने, ये मेरी प्लेट है जिसमें मैं खाना खा रही हूँ कल से, और ये है मेरा ग्लास। तो भाई करना है तो करना है, हट योग करना पड़ता है। किस्मतें अगर ऐसी बदलनी लग गई तो बात ही क्या थी, कई लोगों को जरूरत नहीं पाशा लोगों, अपने को है तो अपने को करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जिन लोगों की भी संतान, पहली चीज तो कुछ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, लेट्स जस्ट टीच पीपल एस्ट्रोलॉजी मैन, जो इतना डरा देते। अरे अरे, कल भी एक मैसेज आया था, 1,70,000 की पूजा जी, पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, बस क्या मुंह से भी बोलते हुए शर्म आती है। चलो एनी विच वेज, पहला फर्स्ट हाउस और अगर फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, है ना, और बृहस्पति एक इंसान की पत्री में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बच्चा जो है, संतान जो है, माँ बाप को कहते ना बड़ा ही आज्ञाकारी बच्चा होएगा। अगर आप थोड़ा सा कहते ना रूट जाओ तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे घूमता रहेगा जब तक माँ बाप उनके मान नहीं जाते। अब कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे से परेशान रहते हैं, बच्चा पूछता ही नहीं, सीधी सी बात है। अब इसका कारण समझो, जब आपका जो फिफ्थ हाउस है मंगल के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ, सूर्य के साथ अगर उस घर में बैठा है, तो संतान, कहते हैं संतान होते हुए भी कई बार संतान का सुख मिल नहीं पाता, बच्चा कहीं ना कहीं दूर होता चला जाता है, रीज़न कोई भी हो बट जो एक कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता। इसके लिए बृहस्पति को पॉजिटिव होना यार बहुत ज़रूरी है। तो जो जो बृहस्पति के पहले के भी उपाय बताए थे, अभी तो मैं एक दो चीज़ें बड़ी सिंपल सी बताई दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज़ पे आते, कई बार पैसा आता है लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन एक टाइम पे सब गायब। कहते हैं ना अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो ही नहीं पूरी कर पा रहे। अब इसका कारण क्या है, अगर आपका अगर पत्री में छठा हाउस, आठवां हाउस, बारहवां हाउस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर फोर्थ हाउस जो कहते हैं ना, अगर उसमें राहु आ गया, फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, कहीं ना कहीं उसके अगर मालिक एक दूसरे के अगर घर पे बैठे हैं तब ये दरिद्र योग बनता है। हो सकता है कि एक टाइम पे बंदा बहुत ऊंचा पहुंच गया हो लेकिन एक टाइम पे उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, सीधी सी बात है। और जैसे मैंने बोला नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर कहते हैं ना 11-11 का प्यारा कॉम्बिनेशन चल रहा है, मान लो मंगल राहु में कहीं जुपिटर में अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया तो पट करके वो वहाँ से उधर तक, कहते हैं ना क्या बोलते, हर्ष से फर्श तक, सीधी सी बात है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, पहली चीज़ तो एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, अपनी बीवी, अपनी बेटी या अपनी बहन को कहते हैं ना जो घर का खर्चा होता है वो उनके पास रख दो, उनसे मांगा करो कि मेरे को घर का खर्चा दे दो, पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, अब कई जैसे मैंने आपको बताया, कई लोग बोलते हैं तुम्हारा पति मर जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैं इसका भी बताती हूँ, ये लोग विवाह होते हुए भी कई बार विवाह का सुख नहीं मिल पाता, या लोग जो डराते, इसमें डरने वाली बात नहीं है। 7th हाउस 8th हाउस का जो लॉर्ड है अगर इन दोनों के घरों में बैठ गया तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे डरा देते, डरने वाली बात नहीं है।
अब जो मैं उपाय बता रही हूँ, आप ये तीन चार उपाय बताऊंगी। आज पाशा लोगों आवाज भी नहीं चल रही क्योंकि बैक टू बैक कंसल्टेशन थी, है कि नहीं। अब पहली चीज ये है, जिनको भी संतान प्राप्ति में, कहते हैं ना, संतान होते हुए भी संतान का सुख नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, पैसों से बहुत ज्यादा तंगी आ रही है, पहली चीज हल्दी की माला से जपना शुरू कर दो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। हल्दी की माला से कितना करना है वो आप देखो, लंबे समय तक करते जाना। इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये जो चीज़ है जड़ से प्रॉब्लम को ठीक करेगा। जहाँ मर्जी भटक लो, कुछ नहीं हाथ में आने वाला, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, चना गुड़ शहद केले, चना गुड़ शहद केले, ये और लाल वस्त्र, ये जो है मंगलवार को किसी को भी आपने दान देना शुरू कर देना है। सीधी सी बात है, जिन लोगों के भी विवाह में ऐसा डरापरा दिया है, कितना लोगों की, तो कई लोगों की कंसल्टेशन करूँ, पता है जैसी आवाज़ रोने लग जाते एकदम ऐसे करके कि 2,50,000 की, मैम मैं कहाँ से, उन्होंने बोला है मैं अपने हस्बैंड से बहुत क्लोज हूँ और उन्होंने बोला तुम्हारे हस्बैंड के पास टाइम नहीं, क्या बोलो इनको, सीधी बात है। बट एनी विच वेज ये वाला उपाय आपने करना है। अगली चीज़ पे आती हूँ, अगली चीज़ आपने क्या करनी है, पीतल के जो ग्लासेस होते हैं ना, उसके अंदर घर के किसी भी कोने में या घर के चारों कोने में, आप अपने हिसाब से देख लो, अभी लॉकडाउन है, अगर ज़्यादा चीज़ नहीं है, कम से कम एक कोने में तो रखो जाकर, पीतल का जो ग्लास है उसके अंदर पानी भर के, जल भर के ये आपने रख देना है, और आपने इसको 3-4 दिन बाद इसको चेंज करते जाओ। अब एक चीज़ बताती हूँ, कल आपने ये पीतल का ग्लास थर्सडे वाले दिन रख देना है, इसका जो सातवा, अगर बीच में जो पानी चेंज कर रहे हो ना, वो तो करते ही जाना है ना, 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसे भी 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, आप पे डिपेंड करता है, जब आपको मन में लगे तो चेंज कर देना, लेकिन सातवें बृहस्पतिवार को, वीरवार को जरूर चेंज करना है। इस चीज़ का सिर्फ आपने ध्यान देना है। चांदी की ठोस गोली जो होती है वो आपने अपने गले में धारण करनी है। इतनी जो चीज़ें बताई हैं कम से कम करना शुरू कर दो, जितने भी ये बुरे से बुरे योग हैं ऐसे करके कट जाएंगे ना, फिर मेरे को बोलना। एक महामृत्युंजय का मंत्र, क्योंकि कालसर्प दोष से भी लोग बड़ा डराते हैं, मैंने पहले उपाय बताए थे बड़े ज़बरदस्त वाले, आगे चीज़ें और भी बतानी है, लेकिन महामृत्युंजय का जो जप है, क्योंकि राहु केतु के बीच में, अगर या केतु राहु या राहु केतु के बीच बीच में सारे प्लैनेट आ जाते हैं, तो लोग कितना डरा देते, डरने वाली बात नहीं है। महामृत्युंजय का मंत्र करना शुरू कर दो, और भी चीज़ें बता दूंगी, चिंता वाली बात नहीं है, चिंता छोड़ दो। बस आज के लिए इतना ही। मैग्निफाइड हीलिंग की जो क्लास है, अपने चक्रास को हील करो, अपने को एम्पावर करो, एक बार मेरी बात मान के तो देखो, रेकी हो गया, करुणा रेकी हो गया, 10 मोडेलिटीज ऑफ हीलिंग को जब मिला देते हैं, दैट इज मैग्निफाइड हीलिंग, जो हमारी ये ओनली हीलिंग है जो हमारी DNA को हील करती है, हमारे पास्ट लाइफ को हील करती है, इट इज़ ब्यूटिफुल, है कि नहीं। बाकी वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस या कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप करना पास, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करो, दिल ना तोड़ो, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते आप, हाँ मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही इस चक्कर में, वीडियो को लाइक तो करो यार, मेरा दिल टूट जाता है, है कि नहीं। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। अच्छा, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अरिका शाइनर जंतर मन पे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें अब बतानी शुरू कर दूंगी मैं, देख लो फिर, ठीक है कि नहीं है। और शाइना सेट ब्लॉग्स पे भी हम मिलते हैं, तो दोनों चैनल का जो वो सब्सक्राइब वो मैं कर दूंगी, कर देना। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।